फर्स्ट, और ये भी BSL तो अभी ये भी है ना। हाँ जी, ठीक स्टूडेंट के साथ मेरी कन्वर्सेशन भी ठीक चल रही है, उसका नहीं तो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा ठीक है, इशू इसका नहीं है, इशू इस थिंग का। वही ओके तो कर रहा था, क्या जी, किया मुझे बता नहीं क्या। मैं PPT कहाँ पढ़ी है? लेक्स ठीक है, कुछ लिखने में वहाँ CH नहीं लिख रहे। ठीक प्रॉपर है, फर्टिलाइजेशन लोड हो जाती है, लेकिन स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा इंशाल्लाह मैं आप स्क्रीन पे भी आ जाए। एक्चुअली। -7 GB नहीं, मेरा खुद अभी नहीं हो देखे। नहीं हो गया, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? सर बच्चों को लिंक का थोड़ा सा हो रहा था, अपलोड नहीं हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं लास्ट लेक्चर्स में किसी का कोई क्वेश्चंस? अच्छा मुझे आप लोग ये बताएं, आप लोगों ने वो टेबल्स पढ़ी है? मैंने आप लोगों को कहा था कि टेबल्स देख लो। गुड मॉर्निंग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलहमदिल्ला। अच्छा मुझे ये बताया, आप लोगों ने टेबल्स पढ़ी हैं जो उसमें थी? सर याद तक हमने पढ़ा था, आज हमने डिस्कस करना है एब्डोमिनल ट्रॉमा के बारे में। सो एब्डोमिनल ट्रॉमा जो है वो एब्डोमिन जो है एक बॉडी के कैसा एरिया है जो कि एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया, मतलब एक लार्ज सरफेस एरिया को कवर करता है। ठीक है, सो इस वजह से इसके ऊपर जो है इसमें ब्लंट और पेनिट्रेटिंग दोनों इंजरीज जो है वो हो सकती है। ठीक है, और इन इंजरीज की वजह से, चाहे वो ब्लंट हो चाहे वो पेनिट्रेटिंग हो, इसकी वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो डेथ पेशेंट की डेथ जो है वो हो सकती है। पेशेंट जो है वो हेमरेज से पहुंच सकता है, शॉक में जा सकता है। ठीक है, पेशेंट जो है वो सेप्सिस में जा सकता है। एब्डोमिनल ट्रॉमा का पेशेंट, जितना जितने भी हमारे पास एब्डोमिनल ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं, मोस्टली उनकी जो है वो मल्टी अर्गन इंजरीज होते हैं। क्योंकि एब्डोमिन एक ऐसा एरिया है, ठीक है, ऑर्गन तो हम देखेंगे तो वो एरिया है कम्प्लीटली। ठीक है, एब्डोमिन जो है वो एक ऐसा एरिया है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ एम्बेडेड पड़े हैं। ठीक है, मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स जो है उसमें पड़े हैं। तो जब भी एब्डोमिन का कोई जब भी एब्डोमिनल इंजरी होती है या एब्डोमिनल ट्रामा होता है, तो उसमें अक्सर जो है वो मोस्टली जो है वो मल्टीपल ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अब अगर ब्लंट इंजरी की हम बात करें, अगर ब्लंट इंजरी है तो ब्लंट इंजरी में जो कंप्रेशन फोर्स है, जो ऊपर से फोर्स लग रहा है, ब्लंट में मैंने आप लोगों को क्या कहा था? ब्लंट में मैंने आप लोगों को कहा था कि ऊपर से फोर्स लगता है। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स जो है वो अपोजिट फोर्स आता है, तो उसकी वजह से जो है इंजरी हो रही है, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है वो ब्लंट इंजरी कहते हैं। ठीक है,
सो ब्लंट इंजरी में क्या है, अगर ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है तो कंप्रेशन फोर्स जो है उस अगर सॉलिड अर्गन में, ठीक है, अगर सॉलिड अर्गन से, अगर सॉलिड अर्गन कैप्सूल से, अगर सॉलिड अर्गन पैरेन्काइमा है, मतलब सॉलिड अर्गन के जो फंक्शनल सेल्स है वो है, तो उनके साथ क्या होता है, उनका जो है वो फ्रैक्चर होता है। अगर सॉलिड अर्गन से तो उन्हें फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, और अगर हॉलो ऑर्गन है तो वो हॉलो ऑर्गन जो है वो कोलेप्स हो जाते हैं और फोर्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लंट इंजरी के, ब्लंट इंजरी जो है वो इस तरह आती है ताकि ये जो पूरा एरिया है उसे कवर करती है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स पड़ी है, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि हॉलो है, जो कि हॉलो है, ठीक है, जो कि अंदर से खाली है, जो कि अंदर से खाली है, ठीक है। कुछ अर्गन्स ऐसे हैं हमारे जो कि सॉलिड अर्गन्स हैं, इसी तरह अगर है तो ये सॉलिड अर्गन है, इसके अंदर खाली स्पेस नहीं है, ठीक है, इस तरह नहीं है कि अंदर एक सेक बना हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जब भी ऊपर से ब्लंट इंजरी आती है या ब्लंट प्रेशर पड़ता है तो वो ब्लंट प्रेशर जब इन अर्गन्स के ऊपर पड़ता है तो सॉलिड अर्गन्स जो है उनके साथ क्या होता है, सॉलिड अर्गन्स जो है वो रप्चर हो जाते हैं, वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनका उनका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे हॉलो ऑर्गन है जिसके अंदर स्पेस है, ठीक है, उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो ये ऑर्गन जो है ये इस तरह कोलेप्स हो जाते हैं, ये ऑर्गन इस तरह कोलेप्स हो जाते हैं, ठीक है, और उस प्रेशर को जो है ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। समझ आ गई यहाँ तक, इस बात की समझ आ गई, जो हमारे हॉलो ऑर्गन है उसमें स्पेस होता है, ठीक है, जब उनके ऊपर आओ जब उसके ऊपर आप जो है वो या जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो दोनों जो है वो कोलेप्स हो जाते हैं, उनके दोनों साइड्स जो है, ठीक है, और जो एक फोर्स ऊपर से पड़ रहा है, ठीक है, वो फोर्स जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर सॉलिड अर्गन है तो सॉलिड अर्गन के ऊपर अगर प्रेशर पड़ता है तो वो सॉलिड अर्गन जो है उनकी फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। अब हम अगर बात करें पेनिट्रेटिंग इंजरीज की, तो पेनिट्रेटिंग इंजरीज या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमास कैन रिजल्ट इन डर्टी वाउंड्स। पेनिट्रेटिंग इंजरीज जितनी भी है ना उनके वजह से डर्टी वाउंड्स बनती है। अब डर्टी वाउंड्स क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, ठीक है, चाहे वो पेनिट्रेटिंग इंजरी किसी छुरी से है, ठीक है, किसी बुलेट से है, ठीक है, किसी भी चीज से। अब वो पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, ठीक है, एक तो पेनिट्रेटिंग इंजरी में ये पता नहीं होता कि भाई कितना डीप है ये चीज, ठीक है, वो हमें अंदाजा लग सकता है जिस चीज से जो है वो पेनिट्रेशन हो रही है, जिस चीज से इंजरी हुई है उसकी साइज को देख के, उसे देख के जो है वो हमें अंदाजा लग सकता है कि कितना एरिया जो है इसने इंजर्ड किया होगा या कितना एरिया जो है वो इसने अफेक्ट किया होगा, इंजर्ड किया होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से डर्टी वाउंड्स बनते हैं। अब डर्टी वाउंड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इसकी इन वाउंड्स की हाई मोर्टेलिटी रेट से, इन वाउंड्स की हाई मोर्टेलिटी रेट से, ठीक है, इसकी वजह से इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है, मल्टी सिस्टम ऑर्गन जो है वो फेलियर होता है। इसमें ऑर्गन जो है वो मोस्ट लाइकली अक्सर सिंगल ऑर्गन जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है, और कभी कभार मतलब चांसेस ऐसे होते हैं कि सराउंडिंग अर्गन जो है वो अफेक्ट हो जाए, लेकिन मोस्टली जो है इसमें अर्गन जो सराउंडिंग है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसमें जो है वो कट या जो पिनेट्रेशन है वो डीप जाता है, इस वजह से जो है इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो अंदर घुस जाता है, क्योंकि बाहर से इंजरी ऐसी है, बाहर से कट लगा हुआ है, बाहर जो है वो एक्सपोज है, ठीक है, बाहर से वो एक्सपोज रहे। अब ब्लंट इंजरी में डर्टी वाउंड्स क्यों नहीं बनते, क्योंकि ब्लंट इंजरी में अंदर इंजरी तो हो गई है लेकिन बाहर से जो है वो क्या है, वो कवर है, बाहर से जो है वो बिल्कुल कवर्ड है, बाहर से जो है वो कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई वाउंड जो है वो ओपन नहीं है, ठीक है। लेकिन पेनिट्रेटिंग इंजरीज में क्या है, पेनिट्रेटिंग इंजरीज में जो कवरिंग है उसके अंदर जो है वो पेनिट्रेशन हुई है, एक रास्ता, एक न्यू पाथवे जो है वो बन चुका है, ठीक है, उस न्यू पाथवे के जरिए जो है वो बहुत आसानी से बैक्टीरिया चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये चीजें जो है ये बहुत आसानी से अंदर जो है वो घुस सकते हैं और वहां पे जो है वो कंटामिनेशन हो सकता है, और उस कंटामिनेशन की वजह से पेशेंट जो है वो गैंग्रीन सेप्सिस वगैरह किसी चीज में जाके वो मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर तक जो है वो जा सकता है, ठीक है।
एब्डोमिनल इंजरीज के लिए जो है वो हम कौन कौन से टेस्ट वगैरह कराते हैं? सो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में बी इंक्लूड फोकस एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, सोनोग्राफिकल ब्लड की एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, ये जो फॉर एग्जाम्पल एक कार जा रही है, ठीक है, जो भी है चले, ठीक है, अगर एक कार जा रही है, ठीक है, कार में यहाँ पे जो है वो दो लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो लोग बैठे हैं। अब इन लोगों की ब्लंट इंजरीज में क्या होता है? ब्लंट एब्डोमिनल इंजरीज में यहाँ पे इधर जो है वो क्या स्टीयरिंग है, ठीक है, यहाँ पे स्विच बोर्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें लगी है आगे गाड़ी में, ठीक है। अब अगर ये लोग जो है भी कहीं पे जो है वो इनका एक्सीडेंट होता है, ठीक है, यहाँ से एक फोर्स आता है इन्हें के साथ जो है वो टच होता है, ठीक है, तो ये लोग जो है ये आगे मूव करेंगे अगर इन्होंने जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहने हुए, ठीक है, अगर इन्होंने जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहने हुए तो ये लोग आगे आएंगे, ठीक है। इनका जो चेस्ट है और जो एब्डोमिनल एरिया है वो स्टेयरिंग के ऊपर, वो जो इस एरिया के ऊपर वो लगेगा। अब उस एरिया की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, जो प्रेशर उनकी ऑर्गन्स के ऊपर पड़ेगा वो क्या है? वो ब्लंट इंजरी है। इनके ऊपर जो है वो एक प्रेशर पड़ेगा वो क्या है? वो ब्लंट इंजरी है, ठीक है। अब जो ब्लंट इंजरी इसके ऊपर, या जो प्रेशर पड़े, या जो ब्लंट इंजरी हो रही है उसकी वजह से कोई एक अर्गन तो इफेक्ट नहीं होगा ना। अब अगर यहाँ पे स्टरिंग लग रहा है, ठीक है, तो स्टरिंग का जितना एरिया है उसमें काफी सारे अर्गन जो है उस बीच में आ रहे हैं, ठीक है, जो उसने दबाए हैं, जो कंप्रेशन ऊपर उसने दिया है, ठीक है, ये ब्लंट इंजरी से। अब अगर यहाँ पे कोई बारीक चीज उसके पास पड़ी है और वो अंदर जो है उसके बॉडी में जाती है तो वो क्या है? वो पेनिट्रेटिंग इंजरी है। और पेनिट्रेशन में क्या है ब्लंट इंजरी में? ये कि ब्लंट इंजरी में ये जो आपका ये जो स्किन है ना हमारा, ये जो हमारा बेरियर है, ये जो स्किन है हमारा, जो बेरियर है हमारा, वो बेरियर टूटता नहीं है, वो बेरियर टूटता नहीं है, ठीक है। ब्लंट इंजरी में बेरियर जो है वो नहीं टूटता, ठीक है, सिर्फ ऊपर प्रेशर पड़ता है और इंटरनल ऑर्गन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, वो कंप्रेस्ड हो जाती है। लेकिन जो पेनिट्रेटिंग इंजरी है उसमें तो जाहिर ही बात है वो जो स्किन ने हमारा, जो हमारे एक नेचुरल बेरियर है वो पेनिट्रेट हो जाता है, जो शार्प ऑब्जेक्ट है वो अंदर चला जाता है, ठीक है, इसी वजह से जो है वो एक नया पाथवे बन जाता है और उस पाथवे के जरिए जो है वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी एजेंट इजिली एंटर होके आपको कंटामिनेट कर सकता है, ठीक है, और आपको मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर तक लेके जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात कर ले तो अब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, करा सकते हो। डायग्नोस्टिक पेराटोनियल लिवाज है, ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफी है टू डिटेक्ट ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट आर द फ्रेश फ्री एयर एंड एब्डोमिनल सीटी है, ठीक है। चेस्ट रेडियोग्राफी हम क्यों करते हैं? चेस्ट रेडियोग्राफी में हम देखते हैं कोई ऊपर जो है वो ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई नीचे प्रेशर की वजह से, ठीक है, तो ये चीजें हम दे करवाते हैं, ठीक है। बट सोनोग्राफी, सोनोग्राफी क्या होता है? सोनोग्राफी क्या होता है?
अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है, डायग्नोस्टिक इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, अल्ट्रासाउंड असल में अल्ट्रासाउंड से, ठीक है, अल्ट्रासाउंड से नहीं, सोनोग्राफी जो है वो अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। तो हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अब अल्ट्रासाउंड कराने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, बेड साइड पे आप आसानी से जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होता। इसके लिए पेशेंट को जो है वो ज़्यादा जो है वो हम पेन नहीं देते इसमें, पेन जो है वो पेशेंट को मतलब सिर्फ वो है जो आप पेशेंट को इधर उधर मूव कर रहे हो, सिर्फ वही पेन है, इसकी वजह से पेशेंट को कोई पेन नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या है, वो सोनोग्राफी एक इजी प्रोसीजर है, ठीक है, हम जो है वो बेड साइड पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो है वो डायग्नोस्टिक पेराटोनियल लिवाज है। डायग्नोस्टिक पेराटोनियल लिवाज क्या है, डायग्नोस्टिक पेराटोनियल लिवाज में ये होता है कि उस ये वो प्रोसीजर है जिसमें ना आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हम ब्लीडिंग को जो है वो क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि कहीं पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी अर्गन्स पड़े हैं, ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कैसे, देखते कैसे है, ठीक है, हमने देखना कैसे, हम एक नीडल जो है वो अटैच करते हैं कैथेटर के साथ, हम एक नीडल कैथेटर के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, और वो नीडल जो है वो हम इंसर्ट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, और वो जो कैथेटर है वो हम अटैच करते हैं किसी बैग के साथ, ठीक है। तो अगर ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड जो है वो उस कैथेटर के अंदर आ रहा है, ठीक है, एक्युमुलेट हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, यहाँ पे जो है वो कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और ये क्या, इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक पेराटोनियल लेवाज, ठीक है, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि कहीं फ्लोटिंग फ्लूड तो नहीं है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, चाहे वो ब्लड है चाहे वो कोई और फ्लूड है, समझ आई, नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक नीडल ले लेते हैं, ठीक है, नीडल इंसर्ट कर लेते हैं, उस नीडल को हम अटैच करते हैं इस चीज़ के साथ, उसको हम कैथेटर के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। उस कैथेटर को जो है वो हम किस चीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं, उस चीज़ को हम अटैच कर लेते हैं किसी बैग के साथ, ठीक है, एक बैग के साथ जो है वो हम अटैच कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई फ्लोटिंग फ्लूड है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रीली मूव फ्लूड है, चाहे वो ब्लीड ब्लड है चाहे वो कुछ और है, ठीक है, वो फ्लूड जो है वो इसके कैथेटर इस नीडल के जरिए जो है इस कैथेटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और इस कैथेटर के जरिए जो है वो बैग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डायग्नोस्टिक पेराटोनियल लिवाज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम चेस्ट रेडियोग्राफी करा लेते हैं, ठीक है। चेस्ट रेडियोग्राफी क्यों कराते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी का जो मेन मकसद है वो हम देखते हैं कि कहीं पे जो है वो फ्री एयर तो नहीं है चेस्ट के अंदर, या कोई यहाँ पे असल में क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। अब डायफ्राम के ऊपर चेस्ट कैविटी है, नीचे जो है वो क्या, वो एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो ये अर्गन जो है ये सारे डिप्रेस होंगे, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जब ये डिप्रेस होंगे ये इधर उधर जो है ये डिस्प्लेस्ड होंगे। अब यहाँ पे भी जो है वो प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा, नीचे भी प्रेशर पड़ेगा, ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। जब ऊपर डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, जब ये ऊपर मूव करेगा तो ऊपर जितने भी अर्गन्स है ना उनके ऊपर जो है उनकी उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा या वो डिस्प्लेस्ड होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो हमें इससे अर्गन डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है, और अगर कहीं पे फ्री एयर है तो हमें वो भी पता चल जाएगा कहीं पे एयर जो है वो ट्रैप पे। इसके अलावा जो है वो हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल इंजरी के अंदर या एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर ये टेस्ट है जो कि हमने करा लिए। ठीक है, अब क्लिनिशियन डिवाइड एब्डोमिन इनटू थ्री मेन ओरिएंटल फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंजरी, ठीक है। क्लिनिशियंस ने क्या किया, क्लिनिशियंस ने एब्डोमिन को थ्री मेन रीजंस के अंदर डिवाइड किया ताकि आसानी से जो है वो लोगों को डिस्क्राइब कर सके कि इंजरी किस लोकेशन में हुई है, ठीक है। तो तीन एरियाज में डिवाइड किया, द पेराटोनियल एरिया, द रेट्रो पेराटोनियल एरिया एंड द पेल्विस, ठीक है। ठीक है, द रेट्रो पेराटोनियल एरिया, द पेराटोनियल एरिया इन द पेल्विस, ठीक है। अब पेराटोनियल एरिया क्या है, पेराटोनियल एरिया विच इंक्लूड द डायफ्राम, द लीवर, स्प्लीन, स्टमक, ट्रांसवर्स कोलोन इन द पोर्शन कवर बाय द बोनी थोरेक्स, ये क्या है, ये पेराटोनियल एरिया। अब रेट्रो पेराटोनियल एरिया क्या है, रेट्रो पेराटोनियल एरिया इंक्लूड आयोटा, वेना केवास, पेंक्रियास, किडनी, यूरेटर्स इन द पार्ट ऑफ ड्यूटेनम इन कोलोन,
ठीक है, ये रेट्रोपेरिटोनियल एरिया है हमारा। इसके अलावा जो पेल्विक एरिया है या पेल्विस है, विच इंक्लूड द रेक्टम, ब्लैडर, यूट्रस एंड इलियक वेसल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जितनी भी है, ठीक है, तो वो क्या है, वो पेल्विस एरिया है, ठीक है। तो क्लिनिशियंस ने एब्डोमिन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पेराटोनियल में, रेट्रोपेराटोनियल में और पेल्विस में, ताकि जो है वो हम आसानी से डिस्क्राइब कर सके कि इंजरी किस एरिया के अंदर हुई है, ठीक है। इसके अलावा एसोफेजियल ट्रोमा हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डायफ्रामेटिक रप्चर हो सकता है, स्टमक का हो सकता है, पेंक्रियास का हो सकता है, कोलन का हो सकता है, स्प्लीनिंग का हो सकता है, लीवर का है, किडनी या ब्लडर है, क्योंकि सारी जो है उसके अंदर ऑर्गन्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज है, मस्कुलोस्केलेटल में मोस्टली जो है वो एमवीसीज की वजह से होते हैं, जिनको हम मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स कहते हैं, ठीक है, या मोटर व्हीकल कोलिजन्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मोटर व्हीकल कोलिजन्स की वजह से या फॉल्स की वजह से, इंडस्ट्रियल फार्मिंग या होम इंजरीज या असॉल्ट वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो सकती है, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज को हमने क्या करना है, हमने रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, और उस चीज़ को स्टेबलाइज करना है। जब जैसे हम उसे स्टेबलाइज करेंगे तो वो ऑप्टिमल रिकवरी या रिकवरी की तरफ जाएगा, ठीक है, और फंक्शनैलिटी की तरफ जो है वो जाएगा, ठीक है। अब मस्कुलोस्केलेटन इंजरीज के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, ठीक है, फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर डिसलोकेशंस, इम्प्यूटेशंस वगैरह, ठीक है। फ्रैक्चर्स क्या है, फ्रैक्चर्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द टाइप, कॉज एंड एनाटॉमिकल लोकेशन। ओपन फ्रैक्चर आर फर्दर क्लासिफाई एज ग्रेड 1, 2 और 3, डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू डैमेज इन्वॉल्व, ठीक है। फ्रैक्चर्स असल में क्या है, फ्रैक्चर्स को जो है वो हम क्लासिफाई कैसे, फ्रैक्चर्स क्या है, बोन टूट गया है, बिल्कुल टूट गया है, ठीक है, बोन जो है वो बिल्कुल ब्रेक हो गया है, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। अब फ्रैक्चर को जो है वो हम फिर क्लासिफाई कैसे करते हैं, हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉज, किस चीज़ की वजह से जो है ये हुआ है फ्रैक्चर, ठीक है, तो उसके बेस पे हम जो है इन्हें क्लासिफाई करते हैं, या इसके अलावा एनाटॉमिकल लोकेशन के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं मोस्टली फ्रैक्चर्स को। हम कहते हैं भाई फीमर का फ्रैक्चर है, टीबियल फ्रैक्चर है, ठीक है, टीबियल फ्रैक्चर है, वो इस तरह हम कहते हैं, ठीक है, ह्यूमरस फ्रैक्चर है, ठीक है। तो जिस बोन का फ्रैक्चर होगा हम उसी के नाम से जो है उसे याद कर लेते हैं, ठीक है, या उस लोकेशन के बेस पे, एनाटॉमिकल लोकेशन के बेस पे इनको हम जो है वो याद करते हैं। फिर कुछ ऐसे भी है जो कि ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर्स होती है, ठीक है। तो अगर ओपन फ्रैक्चर है तो ओपन फ्रैक्चर को फिर हम क्लासिफाई करते हैं ग्रेड्स के अंदर, ठीक है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, वो हम आगे पढ़ेंगे। या इसके अलावा जो टिश्यूज डैमेज है, जो डैमेज टिश्यूज है, ठीक है, उनको देख के उनके ऊपर जो है वो हम इन्हें नाम देते हैं, ठीक है, कि ये टिश्यू, ये टिश्यूज इन्वॉल्व है, तो इस एरिया के हिसाब से इस फ्रैक्चर का जो है वो ये नाम होगा। इसके बाद जो है वो डिसलोकेशन है, ठीक है, डिसलोकेशन अगर विन द आर्टिकुलेटिंग सर्विस ऑफ अ जॉइंट आर नो लॉन्गर इन कॉन्टेक्ट, इंजरीज टू वेसल, नर्व्स एंड लिगामेंट आर ऑफन एसोसिएटेड विद डिसलोकेशन। अब डिसलोकेशंस क्या है, डिसलोकेशन के में, डिसलोकेशन में क्या होता है, डिसलोकेशन में जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है ना, जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही है, जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, जो एक कार्टिलेजियस सर्फेस है, ठीक है, जॉइंट्स का वो एरिया, जॉइंट्स का वो एरिया जहाँ पे एक जॉइंट जो है, या जहाँ पे दो बोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो आके मिलते हैं, अगर वो कांटेक्ट में ना रहे, उन दोनों का कांटेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उन दोनों का कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। अब डिसलोकेशन में जो न्यूरल या लिगामेंट इंजरीज है ना, वो बहुत फेम ये वो जो है वो अपन एसोसिएटेड वो इसके साथ होते रहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक जॉइंट है तो जॉइंट किस वजह से है, ठीक है, अगर दो बोन्स को मिलाए तो उसमें जो है वो लिगामेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, एक लिगामेंट्स ने उसे होल्ड करके रखा होता है, ठीक है। तो अगर लिगामेंट्स, इसके साथ लिगामेंट इंजरी इसलिए होती है क्योंकि अगर उसके लोकेशन जो है इन दोनों की, दोनों बोन का जो पोजिशन है, जो अलाइनमेंट है, वो खराब हो जाती है, तो एक साइड से लिगामेंट्स है वो स्ट्रेच हो जाएंगे और दूसरे साइड से जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है, उससे उधर से जो है वो, तो इस बेस पे जो है वो हम कहते हैं कि इसमें लिगामेंट इंजरी होती है, ठीक है, लिगामेंटल इंजरी, इसमें न्यूरल इंजरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है, या जो सराउंडिंग ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उनकी इंजरीज हो सकती है। उसके बाद है इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन की हम बात करें और क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ टिश्यू, नर्व एंड वेस्कुलर डैमेज, ठीक है। इम्प्यूटेशन क्या है, इम्प्यूटेशन जो है किसी ऑर्गन को आप बिल्कुल काट लेते हो, ठीक है, तो
A cut his clean line in well defined edges. Where is a crush imputation his ill defined edges. अब दो तरह की चीज इम्प्यूटेशन जो है वो दो तरह की इम्प्यूटेशन है. एक है क्लियर कट और दूसरा है क्रश इंजरी. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, अक्सर ये जो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं इनको, ठीक है, इसमें ये चांसेस जो है ये बहुत ज़्यादा होते हैं. इनमें ये लोग रिस्क पे होते हैं बहुत ज़्यादा. ये जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करती है मोस्टली जो मार्बल फैक्ट्रीज और इस तरह की चीज़ें जहाँ पे कटिंग मटेरियल जो है वो आते हैं या ऐसे मटेरियल आते हैं जिनको काट दिया जाता है मशीनरीज के साथ. ठीक है, इन लोगों में जो है इम्प्यूटेशन और ये इंजरीज बहुत ज़्यादा होते हैं. अब इम्प्यूटेशन में क्या है, इम्प्यूटेशन में ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये किसी का एक हाथ है, ठीक है, ये एक हाथ है किसी का, यहाँ पे बन तो नहीं रहा सही था ना. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई जो है वो आरी लगी थी, कोई ऐसी मशीन लगी थी जो एक शार्प मशीन थी और उसने काट दिया, बिल्कुल एक क्लियर कट कट लग गया. ठीक है, तो ये दोनों हिस्से जो है ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों हिस्से डिवाइड हो जाएंगे. ये दोनों हिस्से ऐसे डिवाइड हो जाएंगे कि इसके दरमियान पता चलेगा आपको कि क्लियर कट दोनों जो है वो जुदा हो जाएंगे ऐसे. ठीक है, और एक क्लियर कट आपको नजर आएगा. दूसरा जो केस है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, उसका अगर ये हाथ है तो अगर उस वो हाथ जो है वो किसी बड़े उसके ऊपर कोई बड़ा वेट आए, फॉर एग्जांपल इसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और किसी गाड़ी के नीचे या किसी भी चीज़ के नीचे ये आया, ठीक है, तो ये क्रश हो गया. अब क्रश इंजरी में क्या होता है, क्रश इंजरी में ये है कि यहाँ के जो बोन्स है ना वो क्रश हो जाते हैं. जब वो क्रश हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. इसमें आपको ये पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि कौन सा सरफेस है. ठीक है, तो इसका जो सरफेस बनेगा ना इस इंजरीज का या इस कट का जो सरफेस बनेगा वो स्मूथ नहीं होगा, वो आपको पता नहीं चलेगा. ठीक है, क्लियर कट सरफेस नहीं बनता है इसमें. ठीक है, तो क्रश इंजरी में जो है वो इल डिफाइंड एजेस होती है. ठीक है, उनकी एजेस जो है वो डिफाइन नहीं होते. ठीक है, और उसमें सॉफ्ट टिश्यू डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. सराउंडिंग टिश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपका बोन जो है वो बिल्कुल चूर हो जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो कहीं पे जो है वो जो सराउंडिंग टिश्यूज है, जो सराउंडिंग मसल्स है, ठीक है, उन्हें जो है वो डैमेज कर देते हैं. ठीक है, An avulsion amputation occurs when part of the body is stretched and torn away. ठीक है, एक और amputation है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम avulsion amputation कहते हैं. अभी avulsion amputation में क्या है कि आपकी body का कोई एक part जो है वो stretch हो जाते हैं, ठीक है, या torn हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है वो घूम जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी कभी कभार जो है वो amputation होती है और जिसको हम avulsion amputation कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या है कि मस्कुलोस्केलेटन असेसमेंट इज यूजुअली पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सर्वे. इफ लिम्ब स्वेलिंग, एकाइमोसिस, डिफॉर्मिटी इज नोटेड, द नर्स टेस्ट द एक्सट्रीमिटी फॉर कैपेबिलिटी टू फिल, पल्सेस, क्रेपिटस, मसल स्पैज़म, मूवमेंट सेंसेशन वगैरह. ठीक है, अब मस्कुलोस्केलेटन असेसमेंट जो है वो मोस्टली सेकेंडरी सर्वे में आते हैं. ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सर्वे में हम क्या चेक करते हैं, मोस्टली सर्कुलेशन, ब्रीदिंग और ये सारी चीज़ें चेक करते हैं जो कि एक मेजर चीज़ है. ठीक है, उसके बाद जो है वो हम फिर टोटल बॉडी असेसमेंट में आते हैं या उसके बाद जो है वो हम लिम्स वगैरह जो है वो चेक करते रहते हैं सेकेंडरी असेसमेंट में या सेकेंडरी सर्वे में. तो उसे हमें पता चल रहा है, उसे वो हम देखते कि हुए सेकेंडरी सर्वे में हम ये देख रहे होते हैं कि कहीं कोई लिम जो है वो स्वेल तो नहीं है, कहीं एकाइमोसिस तो नहीं है, कहीं कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है. ठीक है, तो उसमें जब हम एक्सट्रीमिटीज़ चेक करेंगे या हम चेक करते एक्सट्रीमिटीज़ को डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट टेस्ट के लिए, जिस तरह कैपिलरी रीपल टेस्ट है, ठीक है, जिस तरह पल्स हम चेक करते हैं, क्रेप्टस वगैरह चेक करते हैं, कोई मसल स्पेसम वगैरह हमने देखना हो, ठीक है, मूवमेंट देखनी हो, या हम कई सेंसेशन वगैरह चेक करते हैं, या हम जो है वो कोई जिस तरह हम चेक करते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वगैरह हम चेक करते हैं, पेन वगैरह देखते हैं, ठीक है, इधर उधर जो है वो रेंज ऑफ मोशन वगैरह देखते हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर हम सेकेंडरी सर्वे में मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट करते हैं. ठीक है, physical examination for pelvic fracture include inspection and abrasion, laceration, contusion and symmetry of the lower extremity and palpation to assess the for rotational and vertical instability. ठीक है, अब physical examination अगर कोई pelvic fracture है तो उसमें हम क्या करेंगे, inspection करेंगे. inspection हम किस चीज़ के लेगा, कोई कट वगैरह तो नहीं लेगा, कोई contusion वगैरह तो नहीं है. ठीक है, कोई जो मतलब visible कोई चीज़ हो उसके लिए हम क्या कर लेते, उसके लिए हम inspection कर लेते हैं. लेकिन अगर आपने चेक करना हो कि
ये सही तरह रोटेट हो रहा है नहीं, और आप वर्टिकल इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, रोटेशनल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पल्पेशन करते हैं, उसके लिए हम इधर उधर घुमा देते हैं उस आर्गन को या उस जॉइंट को, ठीक है, और हम हाथ रख के हम टच करके जो है उनसे पूछते हैं, पेशेंट से वो देख लेती है, ठीक है। तो उसमें हमने पल्पेशन कर दिया। कॉम्प्लिकेशन जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज की वजह से आ सकते हैं, वो द फर्स्ट वन इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। व्हाट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम? कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है? प्रेशर की वजह से कंप्रेशन ऑफ नर्व, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फेट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। फेट एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है? मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज की वजह से फेट एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है? फैट एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है? देखो, जो लार्ज बोन है ना, जो लॉन्ग बोन्स है, असल में जो लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन के अंदर जो है वो बोन मैरो होता है, ठीक है। इसमें रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो दोनों होते हैं। अब रेड बोन मैरो, जिस तरह हमें पता है कि रेड बोन मैरो का काम क्या है, ब्लड प्रोड्यूस करना, ठीक है। लेकिन जो येलो बोन मैरो है वो फैट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, लिपिड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लिपिड्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो अगर लॉन्ग बोन जो है उनकी इंजरी होती है या कोई फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ से जो है वो फैट्स या जो लिपिड्स वगैरह वो निकल जाती है और वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाती है। जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाती है तो उसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये आगे ब्लड के साथ, ब्लड फ्लो के साथ आगे माइग्रेट करके जो है ये हार्ट के अंदर चले जाए, या जो है ये जो हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर चले जाए, ठीक है। और अगर ये वहाँ तक ट्रेवल करते हैं तो मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि वहाँ पे कोई जो माइक्रोवेस्कुलेचर्स है, ठीक है, क्योंकि हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर छोटे छोटे जो है वो वेसल्स है, ठीक है। तो माइक्रोवेस्कुलेचर्स के अंदर जो है वो चांसेस होते हैं कि ये कहीं पे जो है वो फंस जाए, ये कहीं पे जो है वो ब्लॉकेज कर ले, ठीक है। इसलिए जो है वो, इसको हम कहते हैं कि जो मस्कुलो जो लॉन्ग बोन इंजरीज होते हैं ना, इन लोगों में फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है वो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है, ठीक है। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है? डीप वीनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है? देख, क्या होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस? अच्छा, असल में ना, जिस तरह ये नाम है ना, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, तो आपकी बॉडी में जो डीप वेसल्स होते हैं ना, उनके अंदर अगर थ्रोम्बस बन जाए तो उसे हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। एक्सेस, बिल्कुल। असल में जो आपकी बॉडी की प्रोटीन्स होती है ना, जो थ्रोम्बस बनाती है, जो एक ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है, वो ओवर एक्टिव हो जाती है। जब वो ओवर एक्टिव हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जगह जगह जो है थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलस, पल्मोनरी एम्बोलस ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ठीक है। कोई अगर
थ्रोम्बस जो है वो जाके एम्बोलस बन गया थी कि आगे जो है वो ट्रेवल कर गया, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम का एक एक जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या? कंपार्टमेंट सिंड्रोम अकर विन अ प्रेशर विद इन द पेशेंट क्लोज मसल कंपार्टमेंट इज इंक्रीज कॉम्प्रोमाइजिंग ब्लड फ्लो टू द मसल एंड नर्व इन द कंपार्टमेंट रिजल्टिंग इन इश्यू प्रोलॉन्ग एलिवेशन ऑफ कंपार्टमेंटल प्रेशर लीड टू द डेथ ऑफ द टिश्यू इन्वॉल्व एपिजियोटोमी ऑफ द इन्वॉल्व कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम जब फेशिया इंक्लूज मसल्स है ना, जहाँ पे मसल्स जहाँ पे फेशिया दोनों है, ठीक है, जहाँ वहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए किसी स्पेसिफिक कंपार्टमेंट के अंदर, अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वो प्रेशर जो है वो सराउंडिंग नर्व को सराउंडिंग ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर डाल देता है, जिसकी वजह से आगे जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो आगे नहीं जाती, ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है। ठीक है, उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया की वजह से जो है वहाँ पे क्या होता है, इस्कीमिया की वजह से जो है वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया अगर हो तो फिर वहाँ पे जो है वो जो विदाउट ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे एनरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। जब एनरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है तो एनरोबिक रेस्पिरेशन का जो लास्ट जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, और लैक्टिक एसिड की वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से जो है वहाँ पे सेल डेथ की तरफ या निक्रोसिस की तरफ जो है वो सेल चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, या तो उसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, उस एरिया को हम ओपन कर लेते हैं जो कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है? फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, सेम वही है कि जिस तरह लॉन्ग बोन से लॉन्ग बोन के अंदर जो है वो येलो बोन मेरो है, ठीक है, येलो बोन मेरो अगर वो बोन जो है वो टूट जाए, ठीक है, तो येलो बोन मेरो से जो है वो फैट्स और लिपिड जो है वो बाहर निकल सकते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर आ जाए तो माइक्रोवास्कुलेशन में जाके बोन के वो ब्लॉकेज कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैं तब तक आपको गेट रिलीज समाप्त करूँ।
ठीक है। अच्छा, एक बच्ची का क्वेश्चन है यही। यहाँ पे जो एक फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम है, ठीक है, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में तीन चीजें है, प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी इंसुफिशिएंसी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड डिक्रीज मेंटल स्टेटस। जो फैट एम्बोलाई है ना, फैट एम्बोलाई की मोस्टली चांसेस या जो मोस्टली डेलीगेटेड ऑर्गन है उनके ऊपर ज्यादा अटैक होता है। इस तरह अगर ये लंग्स के अंदर आ जाती है ना, क्योंकि लंग्स की वस्कुलेचर जो है वो फिर बहुत ज्यादा जो है वो छोटे हो जाते हैं, लंग्स की वस्कुलेचर जो है वो आगे बहुत ज्यादा छोटे हो, या जो हमारी ब्रेन की वस्कुलेचर से, ठीक है। अब अगर ब्रेन के अंदर कहीं पे भी जो है वो थोड़ी सी ब्लॉकेज हो जाती है, या लंग्स के अंदर कहीं भी थोड़ी सी ब्लॉकेज हो जाती है, तो उनकी जो साइन सिम्टम्स है वो बहुत जल्दी अपेयर हो जाती है। और मोस्टली इन दोनों के ऊपर जो इनका इफेक्ट ज्यादा होता है, ज्यादातर पेशेंट देखे गए है कि वो कोमा के साथ, ठीक है, ज्यादातर पेशेंट जब आते हैं उसके साथ फैट एम्बोलाई के साथ, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि कोमा की तरफ चले जाए या मेंटल अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाए। ठीक है, चले, ओके, लाफिज, टाइम जो है वो आपको के हमने डवा लिया उन लेक्चर में।